दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों हम सभी को पता है जब शरीर की कोई भी हड्डी टूट जाए तो डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाना है और वहां पर डॉक्टर हमें प्लास्टर चढ़ा देगा, जिसके बाद कुछ समय तक प्लास्टर टूटी हुई जगह पर लगा रहेगा और हड्डी जुड़ जाएगी। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि आखिर प्लास्टर लगाने से हड्डी क्यों जुड़ती है, इसके पीछे क्या साइंस है? क्या प्लास्टर के अंदर कोई दवा होती है या फिर कोई और कारण होता है जिसकी वजह से टूटी हुई हड्डी प्लास्टर के लगते जुड़ जाती है? इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक हमारे साथ देखते रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना, ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। दोस्तों जब हमारी हड्डी टूटती है यानी कि हमारे शरीर का कोई हिस्सा फ्रैक्चर होता है तो ये दो तरह का होता है, एक ओपन और एक क्लोज। दोस्तों ये जो ओपन वाला फ्रैक्चर होता है इसमें बाहर से ही दिखाई देता है कि हड्डी टूट गई है, ब्लड वगैरह सब कुछ आ रहा है। अब इस तरह के फ्रैक्चर में साफ साफ दिखाई देता है कि हाँ हड्डी टूट चुकी है। और एक तरह का फ्रैक्चर होता है जिसे क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं। इस तरह के फ्रैक्चर में आप गिर जाते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता क्या हो रहा है, लेकिन हड्डी के ऊपर सूजन आ गई होती है और हड्डी शरीर के अंदर ही टूट चुकी होती है, जिसका पता बाहर से देखने पर नहीं चलता। अब दोस्तों दोनों ही परिस्थितियों में एक्सरे करवाया जाता है ये जानने के लिए कि आखिर एग्जैक्ट जगह पर हड्डी कहाँ टूटी है। अब दोनों ही सिचुएशन में आपको सूजन आएगी, बस बात सिर्फ इतनी है कि जिस जगह पर ओपन फ्रैक्चर हुआ है वहां पर ब्लड ज्यादा बहेगा। और इस तरह के ओपन फ्रैक्चर में सर्जरी होना पूरी तरह से तय है, क्योंकि जो ओपन फ्रैक्चर होते हैं उसके अंदर रोड वगैरह डालकर हड्डी को जोड़ने की कोशिश की जाती है। और ये जो रोड वगैरह डालना होता है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हड्डी कितनी जगह से टूटी है। अब दोस्तों जैसे हड्डी टूटने के भी कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें एक तो हड्डी दो टुकड़ों में टूट जाती है और एक हड्डी टूटने में लंबी सी दरार आ जाती है, और फिर एक स्पाइरिकल होता है यानी कि हड्डी के चारों तरफ दरार बन जाती है। एक कम्युनिकेटेड होता है जिसमें हड्डी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और ये काफी रिस्की होता है क्योंकि जब हड्डियां छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो उन्हें जोड़ने में काफी मेहनत लगती है। और एक होता है हड्डी का डिसलोकेट होना, यानी हड्डी टूट कर अपनी जगह से खिसक जाती है। अब दोस्तों हड्डी चाहे किसी भी तरीके से क्यों ना टूटी हो, इसे सही तरीके में बैठाना होता है, या फिर चाहे वो ओपन फ्रैक्चर हो या फिर क्लोज फ्रैक्चर हो। क्योंकि जब कभी भी आप टूटी हुई हड्डी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले टूटी हुई हड्डी का एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए एक्सरे करता है, और फिर उसके बाद टूटी हुई जगह पर दबाकर देखता है कि कंडीशन क्या है। जहां डॉक्टर हड्डी को अपनी जगह पर वापस लगाने की कोशिश करता है, और जब डॉक्टर हड्डी को अपनी जगह पर सेट कर देता है तभी प्लास्टर चढ़ाया जाता है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि प्लास्टर हड्डी को कैसे जोड़ देता है। तो दोस्तों प्लास्टर में कोई जादू नहीं होता, बल्कि प्लास्टर को टूटी हुई हड्डी वाली जगह पर इसलिए लपेटा जाता है ताकि एक्सरे करने के बाद जब डॉक्टर ने आपकी हड्डी को सही जगह पर सेट किया होता है तो हड्डी उसी जगह पर बनी रहे, इसलिए प्लास्टर चढ़ाया जाता है ताकि आपके पैर या हाथ जहां कहीं भी हड्डी टूटी है उसके हिलने डुलने पर हड्डी अपनी जगह से ना हिले। ठीक वैसे ही जैसे कोई चीज टूट जाती है तो हम सबसे पहले टुकड़ों को आपस में जोड़ते हैं और फिर उसके ऊपर ग्लू वगैरह लगाकर परमानेंट ठीक कर देते हैं। ठीक वैसे ही हड्डियों के साथ भी होता है, क्योंकि जब हड्डी हिलेगी नहीं और रेस्टिंग पोजीशन में रहेगी तो वो टूटी भी होगी तब भी जोड़ने लगेगी। अब इस बात को हमेशा याद रखना कि कोई भी दवा हड्डी को नहीं जोड़ सकती, हड्डी अपने आप ही रेस्ट पोजीशन पर रहने की वजह से जुड़ती है। अब अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले प्रोसेस होता है हिमेटोमा का। जैसे ही हड्डी टूटती है ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, इस प्रोसेस में सूजन आनी शुरू हो जाती है। हालांकि इस प्रोसेस से ही हमारी हड्डी खुद से जुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नीलापन शुरू हो जाता है और हमें दर्द होता है, और ये प्रोसेस हड्डी टूटने के 1 से लेकर 7 दिनों तक होता है। ऐसे में अगर हड्डी टूटने के तुरंत बाद आप डॉक्टर के पास पहुंच गए तब भी हिमेटोमा की वजह से सूजन आएगी ही। अब बात आती है दूसरी स्टेज जिसे ब्रिज फॉर्मेशन कहते हैं। ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हड्डी टूटने के साथ साथ जो ब्लड वेसल्स भी टूटी होती है वो भी बनना शुरू हो जाती है, और जब वो बनती है तो ब्रिज बनना शुरू कर देती है ताकि ब्लड वेसल्स के जरिए दोनों हड्डियों के बीच में ब्लड सर्कुलेशन होता रहे, यानी शरीर के दोनों हिस्सों से खून पहुंचता रहे। ये काम होता है 2 से 3 दिन का, यानी कि 7 दिन तक तो सूजन रहेगी, उसके 2-3 दिन बाद तक ये ब्रिज बनना शुरू हो जाएगा। और जब हड्डी को फ्रैक्चर हुए लगभग 10 से 12 दिन हो चुके होते हैं और इस स्टेज पर आने के बाद कैलस फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस में हड्डी एक दूसरे के ऊपर आना शुरू हो जाती है,
टूटी हुई हड्डी दोनों ही तरफ बढ़ने लगती है ताकि वो एक दूसरे को पकड़ सके, और जब ये प्रोसेस लगभग हो चुका होता है तो जाकर डॉक्टर प्लास्टर कटवाता है और एक्सरे करके देखता है हड्डियां आपस में जुड़ी कि नहीं। और जब डॉक्टर ये देख लेता है कि कैलस बन रहा है, हड्डी आपस में जुड़ रही है, तो डॉक्टर वापस से प्लास्टर चढ़ाता है। अब दोस्तों प्लास्टर चढ़ाने के बाद 2 महीने तक और रखा जाता है क्योंकि हड्डी तो जुड़ने लगी है, लेकिन अब इसे स्ट्रॉन्ग करना है और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हड्डी का एक ही जगह पर होना बहुत जरूरी है, इसलिए इस प्रोसेस को हार्ड कैलस फॉर्मेशन कहा जाता है, जिसके पूरा होने के बाद हड्डी पूरी तरह से आपस में जुड़ जाती है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि हड्डी किस तरह जुड़ती है और हड्डी के जुड़ने में प्लास्टर किस तरह अपना रोल अदा करता है। बाकी हम तो यही कहेंगे कि आपको कभी भी इस कंडीशन में ना जूझना पड़े और प्लास्टर जैसी चीजों से आप दूर ही रहें। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इस तरह के वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।